हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ जोशी और आप देख रहे हैं अपग्रेड इंडिया। अपग्रेड इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम वैसे किसी भी प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले हैं। आज हम एक जो हमारी प्रोडक्ट ऑलरेडी है i11 TWS 5.0 इसका रिव्यू देने वाले हैं। हमारा ये जो वीडियो है काफी अच्छा चल रहा है और काफी सारे कस्टमर्स की इंक्वायरी भी आ रही है, लेकिन अब से हमने ये बेचना डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगर हम वापस से रिकंटिन्यू करेंगे तो आपको अपडेट भी देंगे और एक वीडियो भी लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी मेरा जो मूड है वो i11 बेचने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जब हमने ये बेचना स्टार्ट किया था तब ये करीब इसकी प्राइस थी 1500 रुपए के आसपास और आज इसकी प्राइस जो है वो 450 रुपए हो गई है। तो आप समझ सकते हैं 1000 रुपीज का ड्रॉप अगर प्राइस में आ गया तो क्वालिटी में भी वो ड्रॉप जरूर आएगा ही आएगा। और बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कस्टमर्स की, तो वो कंप्लेंट्स जो है वो हम बेयर नहीं कर पा रहे हैं। जिनको हम दे सकते थे रिप्लेसमेंट भी दिया है हमने, और किसी कस्टमर्स ने हमें फ्रॉड भी बोल दिया है, तो उनको हमने रिप्लेसमेंट नहीं दिया है। फ्रॉड बोलने से पहले आपको समझना चाहिए था कि ये इसके मैन्युफैक्चरर हम नहीं हैं, हम सिर्फ इसके सेलर्स हैं। पहले जो प्रोडक्ट आती थी 1500 की, बहुत बढ़िया चल रही है, आज भी चल रही है। अभी उसका जो रेट है वो 500 रुपीज तक नीचे ड्रॉ हो गया है, तो प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज तो किया ही होगा मैन्युफैक्चरर ने, इसी वजह से हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। और मैं आपको और एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई सेलर इसकी वारंटी लेता है कि ये बढ़िया प्रोडक्ट है चलेगी ही, तो आप उससे ले सकते हैं, लेकिन अगर 400-500 वाली प्रोडक्ट है तो ये मत लीजिए, एकदम वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या होता है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। इस तरह से ये अनबॉक्सिंग तो हमने पहले ही किया था, खोलेंगे तो दोनों में से कोई एक जो है वो बंद निकलेगा। और ज्यादातर ये नोटिस किया गया है कि ये वाला बंद रहता है, लेफ्ट हैंड वाला चालू रहता है, राइट हैंड वाला बंद रहता है, तो लग तो जाएगा सही से लेकिन बंद निकलेगा। और दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको डिब्बे के अंदर अगर डालेंगे तो दोनों में से कोई एक ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। ये देखिए, ये अभी चालू हो गया, ये मतलब आपको वीडियो में दिखाई नहीं देगा लेकिन ये चालू हो गया और इसमें यही है, यही चालू है लेफ्ट वाला, इसमें एक बंद है, तो ये हम अभी नहीं बेचते हैं। और जो कस्टमर्स हमारे i11 की वजह से नाराज हुए हैं हमसे, जिन्होंने परचेज किया है, उनसे हम दो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और सॉरी बोलते हैं। और जिन जिनको हम दे सके हैं रिप्लेसमेंट भी दिया है। हालांकि ये किसी प्रोडक्ट में वारंटी नहीं आती है, लेकिन टेस्टिंग वारंटी हम सब में प्रोवाइड करते हैं, तो टेस्टिंग में ही अगर कुछ गलती निकल आई तो हमने रिप्लेसमेंट दिया है। ज्यादातर तो यहां से हम टेस्ट करके बेचते हैं, तो ऐसा ज्यादा हुआ नहीं है, एक दो कस्टमर के साथ ही ऐसा हुआ है और उसमें से एक कस्टमर ने हमें फ्रॉड बोल दिया। एक ही कस्टमर ने फ्रॉड बोला है, ज्यादा ने नहीं बोला है, लेकिन वो हमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हमसे बात किए बगैर ही हमें फ्रॉड बोल दिया, और एक बच्चे ने हमें चोर तक बोल दिया है। और चोर क्यों बोला, उन्होंने 500 रुपए की प्रोडक्ट अमेजोन वगैरह पे सर्च की थी और हमने उसी प्रोडक्ट का 850 रुपए जो है वो प्राइस बताया था। हालांकि दोनों में क्वालिटी डिफरेंस जो है वो बिल्कुल ही था, और फिर हमने सस्ती प्रोडक्ट भी मंगवाई वो चोर बोलने के बाद, और फिर हम फ्रॉड भी हो गए। तो अभी ना हमें चोर बनना है ना फ्रॉड बनना है, इस प्रोडक्ट को ही हमें डिसकंटिन्यू करना है। अब ये हम नहीं बेचेंगे, अगर अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट आई तो वापस से वीडियो लॉन्च करेंगे और प्रोडक्ट को जरूर से बेचेंगे, आपके साथ i11 लाएंगे। और अगर आपको एयरपोड्स चाहिए विथ गुड क्वालिटी, वो 4500 के आएंगे। 4500 में मैं वारंटी लेता हूं कि आपको कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी, और एयरपोड ही हैं आप, मतलब क्या और तो आप पर्सनल में पूछ सकते हैं मुझसे। एयरपोड ही है, 4500 में आपको मिल जाएंगे। बैटरी बैकअप भी उसका काफी ज्यादा अच्छा है, इसका तो वैसे भी मैंने पहले ही बोला था 1-2 घंटे का बैटरी बैकअप रहता है। तो i11 का ये जो है जेन्युइन रिव्यू मैंने दूसरी बार किया है, पहली बार के रिव्यू में वो प्रोडक्ट भी अलग थी, उसके रेट्स वगैरह भी अलग थे, इसका रेट भी काफी ड्रॉप डाउन आ चुका है और काफी ही घटिया और बकवास प्रोडक्ट ये बन चुके हैं। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को भी
ये अभी i11 ये से ड्रॉप हुए रेट में ले, अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अभी i11 नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसकी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको i11 आपने लिया है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, हमसे लिया है तो भी कर सकते हैं, दूसरे से लिया है तो भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा रिव्यू था i11 का बिल्कुल ही जेन्युइन था, अभी नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा उसकी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही जेन्युइन रिव्यूज के लिए और जेन्युइन प्रोडक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहे। और याद रखें दोस्तों, मैं हूं पार्थ जोशी और आप देख रहे हैं अपग्रेड इंडिया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।